वेलकम टू रसोई छप्पन भोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बर्फी। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। मैंगो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे रखा है एक पैन। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप सूजी। तो ये मैं 1/4 कप सूजी ले रही हूँ और इसे हमें 1 मिनट के लिए सिर्फ रोस्ट करना है। हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना, ना ही हमें इसे अच्छे से भूनना है, सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि हमने यहाँ सूजी का इस्तेमाल मैंगो बर्फी बनाने में क्यों किया है। तो इसे चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें सूजी को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। तो यहाँ हम लेंगे प्लेट और हम इसमें सारी सूजी निकाल लेंगे। इसी पैन को हम दोबारा गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम डेसिकेट कोकोनट। यहाँ मैंने 1 कटोरी डेसिकेट कोकोनट लिया है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें कलर चेंज किसी भी चीज़ का नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट हमें इन्हें भूनना है। ये हमें 1 मिनट हो गया है चलाते हुए कोकोनट को भूनते हुए। इसे भी हम अलग प्लेट में एक निकाल लेते हैं। हमें कोकोनट को और सूजी को हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, और वो भी चलाते हुए। तो ये दोनों चीज़ हमने निकाल ली है। अब हम इसे रखते हैं साइड में और गैस पे रखते हैं हम एक कढ़ाई। सबसे पहले हमने रख ली है एक कढ़ाई गैस पे। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप दूध, 1/4 कप हम डालेंगे यहाँ 1 छोटी चम्मच जितना देसी घी, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मैंगो पल्प जो हमने बना के रखा हुआ था, 1 कटोरी मैंगो पल्प। तो ये हम सारा डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और हमें अब इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये हमें लगातार इसे चलाते जाना है। मैंगो पल्प बनाते हुए जब आप पीसेंगे ना, तो उसमें आपको पानी नहीं डालना, आपको ऐसे ही पीसना है मैंगो को। अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। और इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो की हुई है, क्योंकि हमें अब जो पूरी बर्फी जब तक हमारी बन नहीं जाएगी ना, तब तक हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें सब कुछ पकाना है, और वो भी चलाते हुए। इसी के साथ अब हम यहाँ डाल देंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पल्प लिया था, तो मैं 1 कटोरी ही चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो पे डिपेंड करता है कि आपको चीनी कितनी डालनी है। तो अगर आपका मैंगो मीठा होगा तो आप चीनी कम डालिए, अगर मैंगो आपका थोड़ा सा मीठा कम होगा तो चीनी उसी हिसाब से डालनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पल्प लिया था मैंगो का, तो मैंने 1 कटोरी ही चीनी यहाँ ऐड की है। अब हम इसे भी चलाते जाएंगे चीनी मेल्ट होने तक, लगातार चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट हो गए हमें चीनी डाले हुए, और हम लगातार चलाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम चलाएंगे ना, ये उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो हमें इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई के तले में ना चिपक जाता है, तो फिर जो हमारी बर्फी है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें फिर वो जलेगी ना, महक आएगी। तो इसीलिए हमें कंटिन्यू इसे चलाते जाना है और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं कंटिन्यू इसे चलाते हुए, और इसमें आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की शाइन भी आने लग गई है। हमने घी इसीलिए डाला था ताकि इसमें थोड़ा सा शाइन आ जाए। तो हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का बबल्स भी आने लग गए हैं। इस टाइम पे हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने सूजी और कोकोनट को जो हमने रोस्ट करके रखा था, तो हम
इसमें डाल देते हैं सूजी। सूजी हमने इसीलिए डाली है यहाँ पर क्योंकि जो बर्फी बनती है ना मैंगो वाली, वो बहुत सॉफ्ट बनती है कि आप हाथ में लेंगे ना वो वैसे ही गिर जाएगी आपके हाथ में लेने से पहले ही। तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड की है जिससे उसमें थोड़ा सा बर्फी वाला टेक्सचर रहे। और इसी के साथ हम ये डाल देंगे डेसिकेट कोको में और हमें अब इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। इसी के साथ अब हम यहाँ डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ हाफ कप हमें मिल्क पाउडर डालना है और इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। और इसे चलाते हुए धीमी आंच पे अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता ना तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें जब 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 हम मैंगो की कोई भी चीज बनाते हैं स्वीट में, तो हम जब उसे जैसे जैसे पकाएंगे ना मैंगो को, तो मैंगो का कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। वो लगता नहीं है कि ये मैंगो से बनी कोई भी चीज है। फ्लेवर तो आता है मैंगो का बट उसमें कलर नहीं आता। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे यहाँ पर पिंच ऑफ येलो फूड कलर डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ फूड कलर का यूज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ नेचुरल कलर जो हमारा मैंगो का आएगा ना वही हम बना के तैयार करेंगे बर्फी को। तो मैं इसे अच्छे से चलाते हुए इसे डो फॉर्म में आने तक हम इसे चलाएंगे। गैस को हमें धीमी ही रखनी है, तेज नहीं करनी बिल्कुल भी। हमें धीमी आंच पे ही अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं कि ये चलाते चलाते मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये कितना ठीक हो गया है। तो अभी हमारा जो है अच्छे से ये डो फॉर्म में नहीं आया, तो हमें लगातार इसे चलाते जाना है। हमारा जो सूजी काम करेगी, एक तो टेस्ट नहीं आएगा, दूसरा हमारी जो बर्फी है वो बर्फी फॉर्म में सेट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सूजी डाली है। तो इसे लगातार चलाते जाना है। तो ये हम लगातार चलाते जा रहे हैं। आप इस बर्फी को बना के जरूर देखना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बना के एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। इस बर्फी को बनाने में मैं यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इलायची पाउडर अगर हमने इसमें डाल देंगे ना तो वो फिर इलायची का टेस्ट आएगा, मैंगो का तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे विदाउट इलायची आप बना के जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो इसे हम लगातार चलाते जाएंगे जब तक ये पूरा अच्छे से डो फॉर्म में ना आ जाए और हमारी कढ़ाई जो है छोड़ने ना लग जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छे से डो बनने लग गया है, मगर अभी मैं 1 से 2 मिनट इसे और अच्छे से भूनूंगी ताकि ये अच्छे से हमारा डो जो है इकट्ठा हो जाए। तो इसे चलाते हुए अच्छे से हमें इसे भूनना है। गैस हमेशा आपको धीमी रखनी है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि धीमी आंच पे बनाने का एक मज़ा ही अलग है। खाने में तो टेस्टी बनता ही है। तो हम इसे लगातार चलाते जाएंगे और इसे हम भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने लगातार चलाते हुए इसे भूना है और ये पूरा अच्छे से एक डो फॉर्म में आ गया है। तो गैस को कर देंगे हम इस टाइम पे बंद और हम इसे निकाल देते हैं एक बर्फी ट्रे में या फिर प्लेट पे। ये हमने लिए एक प्लेट। आप इस बर्फी को बर्फी ट्रे में भी जमा सकते हो और प्लेट में भी। मैं यहाँ प्लेट में जमा रही हूँ। यहाँ मैंने लिया एक प्लेट और इसे मैंने अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं ये जो हमने बर्फी का डो बना के जो हमने तैयार किया है ना, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। हमें इसे ठंडा नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है।
इसे अब हम धीरे धीरे इसे फैला लेंगे। आपको जितनी मोटी यहाँ पे बर्फी के पीसेस चाहिए ना, आप उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे ही 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। रूम टेम्परेचर पे हमें इस मिठाई को रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, तो ये पूरी सेट भी हो गई है अच्छे से। तो अब हम इस पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चांदी का वर्क, जो मिठाइयों पे लगा हुआ आता है ना मार्केट में, वैसे ही चांदी का वर्क। तो मैं यहाँ ये हम ऐसे ही लगा देंगे और इसे फिर हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लगा दिया। मैंने यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट से गार्निश नहीं किया है, क्योंकि अगर हम गार्निश कर देंगे ना तो वो मैंगो, तो मैंगो की बर्फी तो लगेगी ही नहीं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा गार्निश किया है सिर्फ चांदी के वर्क से। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पीसेस में कट कर लूंगी। जितना साइज आपको रखना है, छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर आपको मिठाई जल्दी से सेट करनी हो, तो आप जब ये हमने जब इसको सेट करने के लिए रखा था ना नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे के लिए, तब आपको इसको क्या करो कि जब आपकी ये थोड़ी सी भी हल्की ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसे फ्रिज में भी सेट करने के लिए रख सकते हो। तो ये आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में ये अच्छे से सेट हो सकती है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में ही सेट आराम से हो जाएगी ये 1.5 से 2 घंटे में। तो हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप जिसको भी खिलाओगे ना, कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने ये, मतलब इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है ना ये मैंगो की बर्फी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें मैं आपको एक पीस इसका निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए मैंने हाथ में ले लिया है और ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, ऐसी नहीं है कि ये बिल्कुल कि हाथ में लेते ही गिर जाए। तो लग रही है ना मजेदार सी, बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो बर्फी। तो आप इसे बना के एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।